आज सुबह से हमने द्वारका में पूजा दिए, फिर बेट द्वारिका घूमे और फिर होटल आके थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अब हम आ गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। शाम का वक्त है। थोड़ा सा हिस्ट्री बोल देती हूँ इस टेंपल के बारे में कि कहा जाता है कि देयर वॉज अ डेमन कॉल्ड दारुका इम्प्रेजेंट अ शिवा डिवोटी कॉल्ड सुप्रिया। तो जब सुप्रिया ने ओम नमः शिवाय का चैंट किया तब लॉर्ड शिवा भगवान महादेव यहाँ पे अराइव्ड हियर एंड किल्ड द डेमन। तो उसके बाद यहाँ का जो शिवलिंग है वो प्रकट हुआ और आज तक इसको पूजा जाता है। हम लोग अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम के मंदिर के अंदर है और कहते हैं यहाँ पे माता पार्वती और महादेव का पूजा नाग नागिन के रूप में करते हैं और नाग नागिन का जो रूप है उसको चढ़ावा चढ़ाने पर यहाँ पे बहुत पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे जो शरणार्थी आते हैं तो दे आर ऑल ऑफरिंग दैट प्रेयर। महादेव का अभिषेक करने के बाद दे आर ऑफरिंग, मीन्स इट्स नॉट मैंडेटरी बट हुएवर वांट्स दे कैन डू इट। और यहाँ पे हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं और पूर्णिमा शायद आसपास ही है और चांद बहुत सुंदर है आसमान पे। ये जो जगह है यहाँ से सब लोग अखंड धुना कलेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि इसको सर पे लगाने से मन शांति होता है। इतना कैओस में भी एक शांति है इस जगह पे, महादेव का जो पावर है वो रियली फील होता है। ये जो स्टैचू है ये बाहर बनाया गया है, एक बहुत बड़ा महादेव का स्टैचू और यहाँ पे हर सब लोग हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है बट ये जो विजुअल है वो वहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ महादेव है और उनके बाजू में ही चंद्रमा जो उनके सर पे विराजमान है। दर्शन हमारा बहुत अच्छे से हो गया। सरप्राइजिंगली व्हेन वी केम देयर वर वेरी फ्यू पीपल सो वी गॉट अ डायरेक्ट एंट्री बट व्हाइल कमिंग आउट वी सॉ दैट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैव गैदर्ड। सो सम हाउ हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए और बहुत जल्दी जल्दी हो गया जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज का दिन डे टू यहाँ पे ख़त्म होता है। मॉर्निंग से हम लोग द्वारका विजिट किए, बेट द्वारका, और अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। टुमारो विल मीट विद द डे 3 एजेंडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट देन डू इट राइट नाउ एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू।